Hello learners, our today's discussion is on Foreign Exchange Regulation Act, short form is FERA. So FERA जो है एक्ट है वो 1974 में इंडिया में जो था अप्लाई हुआ, इंडिया में आया. और ऑल द FERA एक्ट जो है अब स्क्रैप हो चुका है, अबॉलिश हो चुका है. उसको रिप्लेस किया है फेमा ने, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को पढ़ने से पहले हमारे लिए FERA को जानना बड़ा ज़रूरी है कि FERA क्या था, FERA एक्ट क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और वो क्या रीज़न थे जिनकी वजह से FERA को स्क्रैप किया गया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, FERA के बारे में पढ़ते हैं पहले. सो FERA जो है, द FERA डील्स विद लॉज रिलेटेड टू फॉरन एक्सचेंज इन इंडिया. सो जो जितनी भी इंडियन डीलिंग्स होती है विद फॉरन कंट्रीज के साथ, दैट कम्स अंडर द FERA एक्ट. द FERA हैज़ इट्स ओरिजन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. इन द बिगनिंग इट वॉज अ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज. बट इन 1957 द एक्ट वॉज मेड परमानेंट. जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्रीज आती गई, वैसे वैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो इंडिया में इंक्रीज़ होता गया. तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए FERA एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया. सो FERA एक्ट 1973 में जो था वो अमेंडेड हुआ और 1974 में, जनवरी 1974 में ये ऑफिशियली पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया. FERA में 81 सेक्शंस हैं और FERA के अंडर अगर कोई FERA के प्रोविजन्स को, FERA रेगुलेशंस को वायलेट करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है. मींस कोई पेनल्टी नहीं, कोई फाइन नहीं, डायरेक्ट जेल अंडर FERA. सो इसलिए FERA को जो है वो काफ़ी हार्श एक्ट माना जाता था. अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ FERA. FERA के फीचर्स क्या थे? सो दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल था. इवन इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स हु आर आउटसाइड इंडिया एंड टू ब्रांचेज एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, कंपनीज और कॉरपोरेट बॉडीज आउटसाइड इंडिया बट रजिस्टर्ड इन इंडिया. सो इन पर भी FERA एक्ट जो था वो एप्लीकेबल होता था. द रूल ऑफ FERA वॉज दैट एवरी फॉरन कंपनी हैज़ टू कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया विद एटलीस्ट 60% होल्डिंग ऑफ लोकल इक्विटी पार्टिसिपेशन. सो ये क्या था कि FERA के अंडर एक, FERA एक्ट के अंदर एक रूल बनाया गया कि जितनी भी MNC इस इंडिया में ऑपरेट करती है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती है थ्रू देयर सब्सिडरी और थ्रू देयर ब्रांचेस, उनको अपना इक्विटी शेयर, 60% इक्विटी शेयर्स जो है वो इंडियन इन्वेस्टर्स या प्रमोटर को सेल करना पड़ेगा. तो ये एक MNCs के लिए ये एक काफ़ी हार्श रूल FERA एक्ट के अंडर आया था. देन ब्रीच ऑफ एनी लॉ अंडर FERA कैप्ट अंडर द क्रिमिनल ऑफेंस. अगर कोई FERA को ब्रीच करता है, FERA एक्ट को वायलेट करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. सो नेक्स्ट, वाइड पावर ऑन द हैंड ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED टू अरेस्ट एनी पर्सन, सीज एनी डॉक्यूमेंट. सो ED के पास पावर थी कि वो किसी को भी अरेस्ट करता था, जिसको, जिस पे भी FERA एक्ट वायोलेशन का, जो भी FERA एक्ट वायोलेशन का गिल्टी पाया जाता था, जहाँ जिस पे चार्जेस भी लग जाते थे, तो ED जो था वो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो थी वो, उसके पास पावर थी इन्वेस्टिगेशंस करने की. एंड कॉर्पोरेट वर्ड फाउंड देमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ ED. तो कॉर्पोरेट जो कंपनीज थी वो दे फाउंड देमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ ED. तो उनके लिए काफ़ी हार्श एक्ट था और इसलिए इसको ड्रैकोनियन एक्ट भी कहा जाता था. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि FERA के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, FERA के उद्देश्य क्या थे, क्यों FERA एक्ट जो था वो अप्लाई किया गया. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़. जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती थी वो FERA एक्ट के अंडर रेगुलेट, उनको FERA एक्ट के अंडर रेगुलेट किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था. नेक्स्ट, सेकेंड इज़ टू रेगुलेट सर्टन पेमेंट्स. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेके जितनी भी पेमेंट्स होती थी वो भी FERA एक्ट के अंडर ही रेगुलेट होती थी. देन टू रेगुलेट ट्रांजेक्शन्स इनडायरेक्टली अफेक्टिंग फॉरन एक्सचेंज. डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो फॉरन एक्सचेंज को इफेक्ट करती थी वो तो FERA के अंडर आती थी, वैसी ट्रांजेक्शन जो इनडायरेक्टली भी फॉरन एक्सचेंज को इफेक्ट करती थी वो भी FERA एक्ट के अंडर ही मानी जाती थी. देन फोर्थ वन इज़ टू रेगुलेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी. करेंसी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये भी FERA एक्ट के अंडर ही आता था और उसको FERA ही कंट्रोल करता था. सो आप देख सकते हो कि नंबर वन से लेकर नंबर फोर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें सब चीज़ों को FERA रेगुलेट करती थी, FERA कंट्रोल करती थी. क्यों करती थी? टू कंजर्व प्रेशियस फॉरन एक्सचेंज रिजर्व.
1973-74 के आसपास इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी कम था, तो फैरा जो था वो उसको रिजर्व करके रखना चाहता था, प्रिजर्व करके रखना चाहता था, एंड टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास था उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी फैरा के अंडर ही था. सो ये फैरा के उद्देश्य थे, फैरा के ऑब्जेक्टिव्स थे. नौ अब ये सब कुछ था तो क्या रीज़न थे जिसके कारण फैरा को स्क्रैप कर दिया गया, फैरा को ख़त्म कर दिया गया. सो अब हम वो रीज़न्स देखते हैं क्या रीज़न थे. सो नेक्स्ट इज नीड टू स्क्रैप फैरा. तो पहला रीज़न था इंटरनेशनल कंपनी सीज देयर ऑपरेशन इन इंडिया. जो रूल था कि जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज है, MNC कंपनीज है, उनको 60% अपना इक्विटी शेयर्स जो है वो इंडियन इन्वेस्टर्स को सेल करना पड़ेगा. तो ये जो एक्ट था, ये रूल था, बहुत सारी MNC कंपनी ने इस रूल को मानने से इनकार कर दिया, इस कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया. इवन कोको कोला और IBM जैसी बिग कंपनीज जो इंडिया में अच्छा ऑपरेट कर रही थी, और कोको कोला 1950 से इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, तो ये कंपनीज जो थी इनके इवन प्रेसिडेंट भी उस समय के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनसे मिलने भी गए और उनसे रिक्वेस्ट भी करी थोड़ी कुछ इसमें रिलैक्सेशन के लिए. बट उस समय जो गवर्नमेंट थी दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट फैरा. गवर्नमेंट किसी तरह का भी फैरा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, एंड देट उन्होंने गवर्नमेंट ने सीधा कह दिया कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन गो. तो इसके कारण कई MNCs जो थी वो इंडिया को छोड़ के चली गई. दे स्टॉप देयर ऑपरेशन इन इंडिया, उन्होंने इंडिया से अपना बिजनेस वाइंड अप किया एंड दे वेंट बैक. तो IBM कोका कोला एग्जाम्पल है वैसी कंपनीज के जो इंडिया 1977 में इंडिया छोड़ के चले गए थे. देन पोस्ट लिबरलाइजेशन देर वॉज नीड टू रिमूव शेकल्स ऑफ रेगुलेटरी एंड लीगल प्रोविजन्स एंड नीड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज. 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हो गए थे. फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में इंकरेज किया जा रहा था. उस टाइम फैरा एक्ट के जितने भी प्रोविजन थे दे कम एज अ हिंड्रेंस, मतलब वो रुकावट डाल रहे थे रिफॉर्म्स के लिए, रिफॉर्म्स में. तो उस समय गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट फैरा एक्ट में किए. सो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण फैरा को स्क्रैप किया गया. बट सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था जो कि इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया को छोड़ के जा रही थी, इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा था. तो इसलिए फैरा को ख़त्म करना पड़ा. 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में BJP गवर्नमेंट आई, उस समय फैरा को ख़त्म किया गया, स्क्रैप किया गया, और उसकी जगह फैमा एक्ट को लाया गया. सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट फैरा. नेक्स्ट हम कुछ मीनिंग पढ़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम जब फैमा एक्ट पढ़ेंगे उसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सब टर्म्स पहले समझ लें क्या होती है. इससे आपको जब आप फैमा एक्ट पढ़ेंगे तो फैमा एक्ट को समझने में आप आसानी से फैमा एक्ट को समझ पाओगे. तो अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ. तो पहली टर्म है ऑथराइज्ड पर्सन. फैमा एक्ट पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि बार बार ऑथराइज्ड पर्सन टर्म जो है वो यूज़ हो रही है. तो ऑथराइज्ड पर्सन क्या होते हैं? ऑथराइज्ड पर्सन वो पर्सन्स होते हैं जिनको RBI सर्टिफाई करता है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़. मीन्स कि इन पर्सन के थ्रू ही आप फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ़ एन इंडियन रेजिडेंट वॉन्ट्स टू विजिट USA एंड रिक्वायर देयर करेंसी, तो विच इज़ डॉलर, सो फॉर द एक्सचेंज ही विल ओनली गो टू द ऑथराइज्ड पर्सन. कोई इंडियन पर्सन है और वो USA विजिट करना चाहता है तो वो इंडियन करेंसी को US डॉलर में कन्वर्ट करवाएगा. तो वो कन्वर्जन के लिए किसी ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाके ही करा सकता है. इसी तरह से अगर कोई पर्सन बाहर रहता है और इंडिया में विजिट करना चाहता है तो वो अपनी करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराएगा थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन. राइट नाउ ऑथराइज्ड पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं? ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बिंग ऑथराइज टू डील इन फॉरन एक्सचेंज और फॉरन सिक्योरिटीज़. कभी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे तो वहाँ आप देखोगे कि एयरपोर्ट पे शॉप्स बनी होती है, स्टॉल लगे होते हैं मनी करेंसी चेंज के लिए शॉप्स होती है. तो दे आर द ऑथोराइज डीलर, उनके पास अथॉरिटी होती है टू कन्वर्ट द करेंसी.
राइट. नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी. अब फॉरेन करेंसी क्या होती है? इट मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, लाइक डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, दीज आर द फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज. सो फॉरेन एक्सचेंज में क्या आता है? फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स मींस फॉरेन करेंसी और इट आल्सो इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस व्हिच आर पेबल इन फॉरेन करेंसी. Also the draft, traveler checks, letter of credit or bill of exchange which are expressed or draw in Indian currency but is payable in any foreign currency. So ye instruments bhi foreign exchange ki definition mein aate hain. And plus the draft, traveler checks, letter of credit or bill of exchange draw by bank or any institution or person outside India but are payable in Indian currency. So these instruments also come under the definition of foreign exchange. नेक्स्ट इज फॉरेन सिक्योरिटी. फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है? इट मींस एनी सिक्योरिटी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेविंग सर्टिफिकेट, डिपॉजिट रिसीट्स एंड यूनिट्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड्स. तो ये फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं. नेक्स्ट है पर्सन. अब पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं? पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, an association of person or body of individuals whether incorporated or not, then any artificial judicial person not following any of the preceding sub clauses and any agency, office or branch owned or controlled by such person. So ye sub entities jo hain they come under the definition of person. Next is person resident in India. Kinko person resident in India kaha gaya hai? A person residing in India for more than 182 days during the course of a preceding financial year, उनको person resident in India माना गया है. वो person जो India में last financial year में 182 days या more than 6 months रहे हैं, उनको person resident in India माना जाता है. But it doesn't include, किनको include नहीं किया गया इसमें person resident in India में? इसमें है जो लोग इंडिया से बाहर गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टांसिस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टन पीरियड. सो ऐसे लोग पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में नहीं आते. इसके अलावा पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टे इन इंडिया, ऐसे पर्सन जो इंडिया में आते हैं रहने के लिए, जो इंडिया में आते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आते हैं या कोई एनी अदर सर्कमस्टांसिस जिनमें उनकी इंटेंशन इंडिया में अनसर्टन पीरियड रहने की होती है, वैसे पर्सन भी पर्सन रेजिडेंट इंडियन नहीं माने जाते. नाउ बी, जो पर्सन रेजिडेंट इंडियन माने जाते हैं उसमें आते हैं एनी पर्सन और बॉडी कॉरपोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉरपोरेटेड इन इंडिया. देन सी इज एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. ऐसे ऑफिस जो ब्रांच और एजेंसीज होती है जिनको कोई बाहर से कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा हो पर इंडिया में वो है उसका ऑफिस या ब्रांच, वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में की डेफिनेशन में आते हैं. देन एन ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. तो ऐसे ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी जो बाहर किसी दूसरी कंट्रीज में है बट उनको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसी ऑफिसेज, ब्रांचेस और एजेंसीज भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में आते हैं. इनको भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाता है. नेक्स्ट इज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. सो इट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन रेजिडेंट और नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट अ रेजिडेंट इन इंडियन. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस. सो जब हम फेमा एक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जितनी भी डीलिंग्स होती है, जितनी भी दूसरी कंट्रीज के साथ डीलिंग्स होती है कंपनीज की, उन ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स वो होती है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज इधर इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और एसेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. तो जो पर्सन इंडिया में, जो रेजिडेंट इन इंडिया है और जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज ऐसी ट्रांजेक्शन से जिनसे इन पर्सन की एसेट्स या लाइबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज करती है, मीन्स जिससे बैलेंस शीट में फर्क पड़ता है, उन सब ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स
कहाँ जाता है। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है? वो सारी ट्रांजेक्शन्स अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स द ट्रांजेक्शन्स अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अलावा जो अदर ट्रांजेक्शन्स होती है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कही जाती है। एंड इट इंक्लूड्स पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन पेमेंट ड्यू एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, रिमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसिज ऑफ पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड एंड एक्सपेंसिज इन कनेक्शन विद फॉरन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन। सो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कही जाती है। सो लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी जो कि हम नेक्स्ट जब हम फेमा एक्ट पढ़ेंगे उसमें यूज होगी। तो सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज दिस सेशन। और नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने कुछ MCQs, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिवीजन के लिए। सो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एंड जो MCQs है उनके जो आंसर्स हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।